इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से आप ऐसे एक नॉर्मल फोटो को कुछ इस तरीके के यूनिक फोटो में कन्वर्ट कर सकते हो स्नैपसीड फोटो एडिटर को इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले आप कोई भी एक व्हाइट या फिर ब्राइट कलर की एक फ्लावर की फोटो कैप्चर कर लीजिए। उसके टॉप एंगल से फ्लावर को अपने फ्रेम के बीच में रखते हुए कुछ इस तरीके से। उसके बाद अपने कैमरे को अपनी उंगली या फिर कोई भी चीज़ों से ढकते हुए कम्प्लीटली ब्लैक स्क्रीन पर आप एक स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए। तो सबसे पहले आप अपने फोटो को स्नैपसीड के अंदर ओपन कर लीजिए और फोटो को ओपन करने के बाद अगर आप अपनी फोटो को रोटेट या फिर क्रॉप करना चाहते हो तो आप यहाँ पर से कर लीजिए। अगर आप क्रॉप कर रहे हो तो क्रॉप आप 4:5 के एस्पेक्ट रेशियो पर करिए। अब उसके बाद आपको अपने फोटो में कलर करेक्शन करने होंगे, जिसके लिए आप टूल के अंदर जाइए और यहाँ पर टीन इमेज के अंदर जाइए। मैं अपनी फोटो में जो हाईलाइट है उसको थोड़ा सा कम करूँगा, साथ ही साथ जो शेडो है उसको भी थोड़ा सा कम करूँगा और यहाँ पर मेरे फोटो में थोड़ा सा वार्मनेस है जिसको मैं थोड़ा सा कम कर दूँगा। उसके बाद इस फोटो का जो कॉन्ट्रास्ट है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। दैट्स इट, कलर करेक्शन मैंने यहाँ पर से कर लिए, इसको मैं यहाँ पर से अप्लाई कर देता हूँ। अब उसके बाद आप फिर से टूल के अंदर जाइए और यहाँ पर से कर्व टूल के अंदर चले जाइए। कर्व टूल के अंदर जो प्रीसेट्स है यहाँ पर से आपको ये फेडेड कर्व को सिलेक्ट कर लेना है, जिससे कि आपके फोटो के ऊपर एक काफ़ी बढ़िया फेडेड इफेक्ट आ जाएगा। और आप चाहो तो यहाँ पर से अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो ये एडजस्टमेंट मेरी फोटो के साथ अच्छा जा रहा है, मैं इसको यहाँ पर से अप्लाई कर देता हूँ। दैट्स इट, उसके बाद आप फिर से टूल के अंदर जाइए, ब्रश टूल को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर से ये जो सैचुरेशन ब्रश है उसको आप सिलेक्ट करके उसका जो सैचुरेशन है उसको आप -10 पर लेकर के आइए और अपनी फोटो में फ्लावर की जो सराउंडिंग एरिया है उस पर आप कुछ इस तरीके से ब्रश करिए ताकि सराउंडिंग एरिया का जो कलर है वो रिमूव हो जाए। तो मैंने यहाँ पर अपने फ्लावर की जो सराउंडिंग एरिया का कलर था उसको पूरा रिमूव कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लावर के ऊपर जो कलर था वो ख़त्म हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो सैचुरेशन है उसको मैं एरेज सैचुरेशन पर लेकर के आऊँगा, यानी कि इसको 0 पर लेकर के आऊँगा और ये जो फ्लावर है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से पेंट करूँगा। सो दैट्स इट, अभी फिलहाल मेरा जो फोटो है इसमें सिर्फ और सिर्फ ये फ्लावर के ऊपर कलर है और सराउंडिंग एरिया में बहुत ही कम कलर है। अब उसके बाद मैं फिर से टूल के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर से ये लेंस ब्लर टूल को सिलेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ अपना जो फ्लावर है उसके ऊपर फोकस रखकर सराउंडिंग एरिया को मैं ब्लर कर दूंगा और जो ब्लर स्ट्रेंथ है उसको मैं लगभग 40 के आसपास लेकर के आऊँगा। साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा विग्निटी इफेक्ट ऐड करूँगा जो कि मैं लगभग 30-32 के आसपास लाकर इसको यहाँ पर से अप्लाई कर दूँगा। सो दैट्स इट, यहाँ पर अपनी फोटो में एक काफ़ी बढ़िया विग्निटी इफेक्ट आ चुका है। अब उसके बाद हम जाएंगे टूल के अंदर और यहाँ पर हम जाएंगे डबल एक्सपोजर के अंदर और यहाँ पर से जो स्क्रीनशॉट हमने कैप्चर करे थे उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे और इसका जो साइज है इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको मैं अपने फोटो के ऊपर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। इसका जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है उसको मैं लाइट एन के ऊपर सेट करके इसको यहाँ पर से अप्लाई कर दूंगा। सो दैट्स इट, यहाँ पर अपने फोटो में ये जो स्क्रीनशॉट था वो अभी फिक्स हो चुका है। अभी मैं इस फोटो को यहाँ पर से सेव कर लूँगा। अब उसके बाद आप प्ले स्टोर से LD यानी कि लेंस डिस्टॉर्शन नाम की इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और इसके अंदर आप अपनी फोटो को ओपन कर लीजिए। अब फोटो को ओपन करने के बाद आप नीचे की तरफ देख पाएंगे, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिलेंगे जिसको कि आप फ्री में अपनी फोटो के ऊपर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस क्लासिक लाइट हिंट्स के अंदर ये जो ऑरेंज कलर की लाइटिंग इफेक्ट है इसको हम अपनी फोटो की कोई भी कॉर्नर पर प्लेस करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा और कोने की तरफ कुछ इस तरीके से प्लेस कर दूंगा। इसको आपको ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं लाना है, अदरवाइज फोटो में ये अननेचुरल दिखेगा। तो ये मैंने लाइट को अच्छी तरीके से प्लेस कर दिया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर इस प्लस बटन के ऊपर क्लिक करके और एक लेयर बनाऊँगा और यहाँ पर से कुछ और लाइटिंग इफेक्ट ऐड करूँगा, जैसे कि यहाँ पर सिमर के अंदर ये जो इफेक्ट है, ये बोके इफेक्ट जैसा जो इफेक्ट है, इसको मैं अपनी फोटो के कॉर्नर के एरिया में कुछ इस तरीके से थोड़ा सा प्लेस कर दूंगा जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड दैट्स इट, यहाँ पर मैंने दो लाइटिंग इफेक्ट अपनी फोटो के ऊपर अप्लाई कर दिए हैं जो मेरी फोटो को कुछ ऐसे से कुछ ऐसा बना रहा है और दिखने में ये काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। अभी मैं इस फोटो को यहाँ पर से अपनी गैलरी में सेव कर लूँगा, यहाँ पर JPEG मैक्सिमम क्वालिटी पर अपनी फोटो को मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा। सो दैट्स इट, कुछ इस तरीके से आप अपने बेसिक से फ्लावर की फ़ोटो को कुछ इस तरीके के यूनिक फ़ोटो में कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें लाइटिंग इफेक्ट ऐड कर सकते हो अपने स्मार्टफोन से ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर।